गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का खूबसूरत नज़ारा। थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक करके मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि वाइफ के हाथ में लगी हुई है चोट। और आज बना रहे हैं हम ब्रेड पकोड़े सिंपल वाले। कल तो कमाल ही हो गया। हम लोग सोए थे, दिन में आराम करने के लिए लेटे थे और नींद आ गई। लगभग 4 बजे का टाइम था और रात का खाना भी नहीं, खाना भी मिस कर दिया रात का, और चाय भी नहीं पी, और सुबह जाके उठे हम। ऐसा मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम हुआ। इतनी सुहानी नींद आई यहाँ पर कि बस पूछो मत। उठने का दिल ही तो नहीं किया, इसलिए नीचे मॉर्निंग वॉक नहीं जा रहे, और ऊपर ही अपने कंपाउंड में थोड़ा सा घूम के, और अब बनाते हैं जाके ब्रेड पकोड़े सिंपल वाले फटाफट, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। रसोई से ही भगवान जी के दर्शन भी करते हैं और प्यार से बनाते हैं ब्रेड पकोड़े। आज बिना फिलिंग के बना रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। आलू बॉईल करने का टाइम नहीं था। आलू बॉईल करने का टाइम नहीं था और रात को हम बेकार खाना खाए सो गए थे इसलिए अब जबरदस्त भूख लगी हुई है। चाय भी गर्म कर लें, बस ये लास्ट है। तवे वाले ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं आज, डीप फ्राई नहीं कर रहे, शैलो फ्राई। मैडम कह रही है बना लो, इकट्ठे ही खाएंगे। हाँ तो मैं और तो कह रहा था खा लो गरम गरम। नाश्ता कर लें फटाफट, क्योंकि आज काम बहुत है, एडिटिंग भी करनी है और खेत में पानी भी देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ड्राई हो गए हैं खेत। बहुत जरूरी है, मेन उस काम के लिए तो हम आए थे यहाँ पर कि हमें पानी देना है खेतों में। क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं, सूख जाएंगे, बीज ही नहीं पनपेंगे उनमें। कुछ फूटे हैं जो वो भी सूख वो भी जाएंगे। सूख जाएंगे, पानी देना बहुत बिजी हो गए जरूरी हम कैंपिंग में आने के बाद, नाश्ता करके, और यही काम करना है पानी देने का। है। चलो देखो खाते जी, हैं। खाने लायक बन गया नहीं? ठंडे मौसम में अगर गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े मिलेंगे तो किसको अच्छे नहीं लगेंगे जनरली हम आलू डाल के बनाते हैं, पर आज चला दिया हमने प्लेन। टाइम लिए इतना ज्यादा ना। व्यू के साथ खाने में और ही मजा आता है, बढ़िया सा सामने व्यू दिखता रहता है। हमारी मैडम को भी आराम नहीं है, मैं कह रहा हूँ रहने दो, एक हाथ से लगी हुई है उल्टे हाथ से। बोर हो जाऊंगी ना फिर थोड़ा बहुत तो। कोई नहीं, 2-4 दिन बात कर लेंगे। घर आते हैं और सुबह सुबह जो चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है ना, वो मन को इतना सुकून देती है और पूरा दिन बहुत बढ़िया निकल जाता है। मोटर चला रखी है मैंने और बैल ऑन है, देख लेना। तो कितना सुंदर खिले हैं यार, देखो। इसमें पहले एक ही था जब हम आए थे, कितने सारे हो गए जब लाए थे तब एक ही था। फुटाव आ गए, ये देखो छोटे छोटे से अखरोट हमारे। ये देखिए अखरोट में इस तरीके की ना बालियां लगती हैं। और हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने अखरोट का पेड़ देखा हुआ है, ऐसी बालियां लटकी हुई देखी है। हाँ, अखरोट के पेड़ में इस तरह से बालियां लटकी हुई देखी है। माल्टे का पेड़ लगाया था हमने, लग गया है। इनमें भी ना थोड़ी दवाई डालनी है, कीड़ा ना पत्ता खा रहा है। हाँ डालेंगे, दवाई भी डालनी है याद कराया तो। एक हाथ से थोड़ा बहुत जो कर पा रही है मैडम वो कर रही है। ये फूलों के पत्ते, पत्तियाँ इतनी खूबसूरत लगती हैं गिरी हुई, लेकिन जब सूख जाती हैं तब ब्राउन हो जाती हैं, फिर निशान पड़ जाते हैं ना सारे, फिर वो चिपक के ना निशान पड़ जाते हैं। इसलिए साथ साथ मैं नीचे पानी दे रहा था, इन्होंने ऊपर सफाई शुरू कर दी। नीचे इतना पानी दे के आया हूँ मैं, पूरा 1 घंटा लग गया हमें। वो देखो ये सारा इन दोनों खेतों में, नीचे वाले खेत में और उससे नीचे, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। मज़ा तो आता है सुबह सुबह काम करने में, गार्डनिंग का और ये सब ना। हाँ
नहीं तो टाइम पास करना मुश्किल हो जाता ना, ऐसे काम में लगे रहो अपना, धीरे धीरे टाइम भी पास हो जाता है, सेहत भी अच्छी रहती है। सेहत तो इस समय तेरी बिगड़ी हुई है पर तू कर ही रही है। लेकिन ऐसा है ना, हाथ की है वैसे तो। वो देखिए सामने का खूबसूरत व्यू, सब कॉटेजेस बने हुए अच्छे अच्छे ये कड़ी पत्ता हमारा कितना बड़ा हो गया, चेरी में भी आ गया फुटाओ। होता नहीं तो फिर अगले साल तो आएगा ही आएगा। चूं 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 चिड़ियों की आवाज़ें। पौधों को पानी देने के बाद विनोद जी अब कर रहे हैं नीम स्प्रे का छिड़काव, ताकि पौधों को फंगस ना लगे और कीड़े भी खराब ना करें। उधर डालेंगे हमें तो आड़ू के पेड़ में डालना है। कीड़ा लग रहा है ना थोड़ा, ये देना बहुत जरूरी है। हाँ नहीं तो सारा पेड़ खराब हो जाएगा। रूट्स के पेड़ पे लग जाता है। ये एप्पल है। गिरावा उधर भी है। इन पेड़ों की भी कटिंग कराने वाली हो गई है। शेप बनानी है। कटिंग क्या करनी है, शेप बनानी है। रिफ्रेश हो गए हम, एनर्जी इतनी बूस्ट हो गई, सुबह से दबा के काम करा है। फिर थक मत जाना दोबारा से। ज्यादा एनर्जी, मजा आ गया वैसे। ये देखो पत्ते इनके देखो कुमलाने लग गए ना, कीड़ा लग जाता है इनको। ये देखो इनको दवाई डालनी जरूरी हो जाती है, खासतौर पे आड़ू के पेड़ पे। ये वैसे भी अभी हमने नए लगाए ना, तो इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों की तरह। ये माल्टे का पेड़ है और इसमें भी है ना पत्तों पे हल्का हल्का कीड़ा लगने लग गया, नए पत्ते तो काफी आ रहे हैं। और ये हम मार रहे हैं ऑर्गेनिक नीम स्प्रे। ये कागजी नींबू है। कह के तो उसने हमें नर्सरी वाले ने बारहमासी दिया था, अब ये नहीं पता ये बारहमासी है या नहीं है। एक बेल यहाँ से फूटने लगी है यहाँ पर हम, यहाँ वो कद्दू नहीं होता ग्रीन वाला लंबा, वो और तोरी लगाई थी एक जो लास्ट टाइम लगाया था हमने। हमारे ना आड़ू के पेड़ जो हमने लगाए हर स्टेप वाइज लगाए हैं, एक ऊपर वाले स्टेप में, एक नीचे वाले में, एक इससे नीचे वाले में। तो इसलिए हमें ना हर स्टेप पे अलग अलग उतर के जाना पड़ता है दवाई। छोटे से पेड़ पे आड़ू आ रहे हैं। चलिए आज आपको आड़ू भी दिखाते हैं हम छोटे छोटे से। ये देखिए ये छोटे छोटे से, छोटे से प्लांट पे ही फ्रूटिंग शुरू हो गई है। इसमें भी है भाई। बस ये कीड़े से बचा के रखना पड़ता है आड़ू को। अगर कीड़े से बच गए तो फिर हमें इस बार हमारे पेड़ के आड़ू खाने को मिलेंगे। ये एप्पल ट्री है, ये हिमाचल के। देख पीछे आंख में ना जाए, तू थोड़ा पीछे हो जा। ऑर्गेनिक ही डालते हैं हम, मेडिसिन जो है ना नीम स्प्रे डाला है इसमें। एक एप्पल ये है, हिमाचली एप्पल। फ्लावरिंग हो गई इसमें भी एप्पल में। लास्ट ईयर इसमें एक मोटा सारा एप्पल आया था, मतलब लगे तो तीन चार थे, हमने तोड़ दिए थे क्योंकि इस पर अभी छोटे पे फ्रूटिंग नहीं लेते हैं। एक ये है एप्पल ट्री। एक पेड़ हमारा खराब हो गया। ये सारा छोटे छोटे हमारा बीज लगाए हुए हैं, आराम से दिखाएंगे आपको बाद में, अभी तो पहले दवाई का काम कर लें। ये ऑरेंज है, ऑरेंज इसमें भी वो आ रहे हैं रश्मि बर्ड्स। हाँ ये छोटी छोटी बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं। थोड़ी खाद अच्छी सी डाल देंगे ना तो। ये देखो अभी छोटे छोटे हैं ना, थोड़ा एक दो साल में बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो जाएगी इसमें। पेड़ भी तो अभी छोटा है। इसमें भी फूल आने शुरू हो गए भाई।
बढ़िया अनार है। ये देखो नाशपाती में कितनी फ्लावरिंग है। और ये देखिए जब फूल ऐसे जो है ना वो हवा के चलने से झड़ रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ पड़ रही है, वाइट बिल्कुल है वो। ये देखिए, ओ मजा आ गया, ये देखो फूल झड़ के आ रहे हैं ऊपर, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ उड़ उड़ के आ रही है। मस्त बर्फ जैसे उड़ती है ना, बर्फ के फोए बिल्कुल वैसे ऐसे लग रहा है, दिल्ली में रहे वो शादी की वजह से और 2 महीने का जो ट्रिप करके आए हैं वो बहुत लॉन्ग हो गया, वो इतना लॉन्ग हो गया कि पीछे काफी नुकसान हो गया हमारा। नुकसान मीन्स कि उतनी मेंटेन नहीं हो पाई चीजें हमारी। नुकसान तो क्या होना है। और मेरे को तो असली ये लगती है चीज, ये जो प्लांट है ना बहुत रेयर है। इसका देखो आप, फूल देखो आप, इसका बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बल्ब है। इस टाइम पे तो अब इतने फूल आने वाले ना, इसमें देखो जरा कलियां कितनी आ रखी है, बहुत ही ज्यादा बर्ड्स आ गई हैं इसमें, तो ये भर जाएगा अभी फूलों से बिल्कुल। अभी खाद वाद डालते हैं इसमें। फ्रूट्स खा लें थोड़ा सा, अब थोड़ा रेस्ट टाइम है, नीचे काम करके आए हैं। आ जाओ पंकज का फोन। हाँ ग्रेप्स बहुत मीठे थे उसके सामने, अब ये थोड़ा लग रहा है उतना मीठा नहीं है, मीठा तो है लेकिन ग्रेप्स बहुत ही चीनी की तरह थे। अब ये लग रहा है कि पहले ये खा लेते फिर वो खा लेते। क्या सुहानी सी विंड चल रही है, ठंडी ठंडी सी। देखो अपर डाल के बैठे हुए हैं हम यहाँ पर और जो प्लेन्स हैं उनमें एसी चल रहा है। पंकज क्या तो रहा था, नैनीताल में भी गर्मी है। अच्छा यहाँ पे तो दिन में तो गर्मी लग रही है बहुत, कहता शाम के टाइम तो खैर पहाड़ों में होते ही जाता ठंडा। और अभी जो फूल इसके वाइट वाइट झड़ रहे थे हवा से, ऐसे लग रहा था जैसे कि प्रकृति हमारे ऊपर फूलों की वर्षा कर रही है। फ्रेंड्स लंच हमारा हो गया है रेडी और हम लोग धूप में बैठ के खा रहे हैं, गर्मी के मौसम में भी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और मेरे को लगता है कि दिल्ली में आप लोग पंखे और एसी में बैठे होंगे और दूसरे प्लेन्स में भी। तो हम लोगों ने आज बनाई है गोभी और साथ में दही और खीरा और साथ में है चपाती गर्मा गर्म। मुक्तेश्वर के इन खूबसूरत नज़ारों में बैठ के लेते हैं हम लंच का मज़ा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।